रिश्तों की दोर। मधु ये कौन है? सेल्स एग्जीक्यूटिव है सर, जेके कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स की। सेल्स एग्जीक्यूटिव, इंटरेस्टिंग। तारा ये देखो, कैसा लगा तुम्हें? पसंद आया? हाँ, अच्छा है। तारा, इस तरह उदास बैठे रहने से क्या होगा? सुबह से देख रही हूं मैं, तुम चुपचाप गुमसुम सी बैठी हो यहां। सिमरन, तारा डज नॉट नो व्हाट टू डू। मेरे ख्याल से तुम्हें राहुल से बात कर लेनी चाहिए। सिमरन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि राहुल तारा से कभी सच नहीं बोलेगा। फिर भी एक बार बात करके तो देखो। राहुल? राहुल का फोन है। हेलो। हेलो तारा, बिजी हो? नो राहुल, नॉट एक्चुअली। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ राहुल, कहाँ? तुम्हारी फेवरेट जगह पे मिलते हैं। यहाँ का ओमियन तुम्हें बहुत पसंद है। सेल हाफ ना, इज इट पॉसिबल फॉर यू? यस राहुल, तारा पहुँच जाएगी। ठीक है फिर, आई विल कैच यू। बाय। राहुल ने तारा को मिलने के लिए बुलाया है। Wow, that's so cool. कब जा रही हो? अभी। Hello, Richard. Hello, sir. Hello, Dr. Kadam. यह है मिस्टर कदम, हमारे हॉस्पिटल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। मिस्टर कदम। जी। All yours. Oh, अच्छा हुआ मिस्टर कदम आप आ गए। हमारे हॉस्पिटल के स्टॉक से बहुत सारी दवाइयाँ, स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स और डाइप्रोक्सा, ये सब गायब हो गई है। मिस्टर खत्री, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूं। कैसी बातें करते हैं कदम साहब, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? हमें ये तो मालूम ही करना है ना कि कौन शख्स है जो हॉस्पिटल की महंगी दवाइयां चोरी कर रहा है। कैसी हो तारा? ओके सर, तुम्हें टाइम मिल गया तारा से मिलने का? तारा को तो लगा तुम बहुत बिजी हो। एक्चुअली काम का प्रेशर बहुत है, पर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। समथिंग इम्पोर्टेंट? क्या? मैं एक्चुअली हमारे बारे में बात करना चाहता था, हमारी शादी के बारे में। कैसी बात आप? एक्चुअली तारा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तारा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। एक सेकंड राहुल, इसका मतलब वो सब सच था। क्या तारा? तारा सब समझ गई है राहुल, सब। तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है ना? इसलिए तुम तारा से शादी नहीं कर सकते। यू आर सेइंग नो टू तारा राहुल। देखो तारा, मेरी बात तो तारा को तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है राहुल। लिसन टू मी तारा। व्हाट डू आई लिसन राहुल? तुम ये बताना चाहती हो कि तुमने तारा को कैसे चीट किया? यू नो व्हाट राहुल, यू आर अ स्काउंडरल। तुम्हारी वजह से तारा ने अपने घर से फाइट किया, अपनी फैमिली से फाइट किया, एंड यू चीटेड ऑन हर राहुल।
You cheated on her. तुझे नाम क्या है? बोले तो नाम बोल. इस इलाके में हो रही कार की चोरियों के बारे में तू क्या जानता है? बता. कुछ नहीं. अरे ज्यादा शाना मत बन. अरे आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने आपका जवाब दे दिया, और क्या. देखो ये जो कार की चोरियां हुई हैं ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है तू इसके पीछे. बोल ना, बोल सच क्या. आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? अरे किसको क्या लगाना है ये हम डिसाइड करेंगे. करता क्या है तू? वही जो आप देख रहे हैं, या म्यूजिक शॉप में काम करता हूँ. म्यूजिक शॉप में काफी शाना है रे तू, बहुत शाना है तू. हाँ कोई टेंशन नहीं, अपुन फिर आएगा तेरे से मिलने के लिए. और एक बात और, जिस दिन तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, अपुन तेरी सारी शान पत्ती यूं निकाल देगा चुपके. चलो अगर बॉस को पता चलेगा कि पुलिस यहाँ आई थी और वो लोग मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे तो बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे. हे, तुम उन्हें कुछ बताओगी तो नहीं ना? नहीं, मैं सत्यम सर को कुछ नहीं बताऊंगी. थैंक यू सलामत भाई, थैंक यू. अभी तक तो यश का बच्चा पुलिस की हिरासत में होगा. दैट्स सनफा. मैंने भी पुलिस को ऐसी शेंडी लगाई है, यश का बचना नामुमकिन है. लेट्स गो. ओके सलामत भाई, थैंक यू सो मच. अगली बार कोई भी गाड़ी कैसा भी मॉडल हो, रोनी को जरूर याद है. ओके. अरे हर एक गाड़ी की चाबी है रोनी के पास. कम ऑन. चल चालू कर पड़ा पड़ा. राहुल, तारा को तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है. तुम सिर्फ सीधे सीधे बताओ वो लड़की कौन है. तारा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मुझे अपनी बात तक पूरी करने दो. राहुल और कौन सी बात पूरी करोगे तुम? इतने सालों से तुम तारा को चीट कर रहे हो, ये क्या कम है? तारा तुम समझने की कोशिश तो करो, ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है. तुम बहाने बना रहे हो राहुल, तुम बहाने बना रहे हो. तारा ये मेरी बदकिस्मती है कि जब मैं सच कह रहा हूँ तो तुम मुझे गलत समझ रही हो. आज मैं जिंदगी के ऐसे दोहराए पे खड़ा हूँ कि शायद मुझे कोई भी नहीं समझेगा. तुम भी नहीं तारा. तारा मेरी बात सुनो, शायद मैं तुम्हें समझा पाऊं कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं. डोंट टच तारा, डोंट यू डेयर. कबीर देखो, हमारा ये हाईवे इस जंगल से होकर निकलने वाला है और हम नहीं चाहते कि इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों से हमारी कोई प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड? डैड चिल, मैंने सब सेट कर लिया, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं. तो फिर राहुल के केबिन में अपनी बेवकूफी क्यों दिखा रहे थे? मैं घर चलता हूं डैड. जल्दी जाओ, तुम्हारी मॉम अपने लाडले के इंतजार में भूखी बैठी होंगी. डैड आप भी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं. मुझे एक बात बताइए कि आपकी फ्रेंड नयनिका राहुल से मिलने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही थी? कहीं उसका कोई चक्कर वक्कर तो? वो लड़की सेल्स एग्जीक्यूटिव है, हमारे यहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करती है और जिसे राहुल सैंक्शन करता है. आर यू श्योर डैड कि नयाना का सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचती? क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो. कबीर बहुत हो गया, घर पे मिलते हैं, यू मे गो नाउ. देखिए ना डैड, नयोनिका का नाम लेते ही आप नाराज हो गए. अरे आप हर चीज इतनी पर्सनली क्यों लेते हैं? मैं तो सिर्फ एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का मजाक उड़ा रहा हूं.
कहीं डैड, आप और आपका होने वाला दामाद एक ही लड़की से तो शराब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने बाप से बात करने की तमीज सीखो। वो क्या है ना डैड कि आपने मुझे एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने के लिए सब कुछ सिखाया, बस आप एक चीज सिखाना भूल गए, तमीज। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट। बाय डैड, घर पे मिलते हैं। कदम साहब, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि ये सारे के सारे लॉकर्स खोले जाएं? उन लोगों के भी जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है? I'm sorry, मैं समझता हूँ, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। सर, इसमें तो हमारी बेइज्जती है। मैं समझता हूँ शेफाली, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है। By the way, ये लॉकर किसका है? ये तो मैट्रन का है। सो, मैट्रन हमारी हेड हैं। इनका लॉकर खोल के कोई फायदा नहीं होगा। I'm sorry, मेरे नजर में सब बराबर है। मैट्रन, प्लीज। मैट्रन, सुनिए, रुकिए। इतने देर अंदर क्या हो रहा था? तेजू, वो लोग मुझे नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर दिया। अब मैं तुम्हारी मैट्रन नहीं रही। कदम साहब, ये जो कुछ भी हुआ बहुत शर्मनाक था। मैं समझता हूँ, इन लोगों ने हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा। एनीवे, मैं सप्लाई सुपरवाइजर के ऑफिस से होके आता हूँ और देखता हूँ कि आज तक अपने हॉस्पिटल का कितना नुकसान हुआ है। आप जैसा ठीक समझें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले आप हमें जरूर बताइएगा। श्योर। शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। श्योर, तो मैं चलता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, मैं खत्री बोल रहा हूं। आज के बाद से हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, इसलिए कि इस मामले की इंक्वायरी
सिक्योरिटी चीफ कदम खुद कर रहा है। लेकिन मैट्रन आपने रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया? जो होना था हो गया तेजू, बस अब मैं जा रही हूँ। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में दवाइयों की चोरी पहली बार थोड़ी हो रही है, और डायरेक्टर साहब को ये मालूम है। ये तो मैं भी जानती हूँ तेजू, लेकिन वो दो बॉटल तो मेरे लॉकर में से निकली ना, और मैं कैसे झूठ बोल दूं कि वो मैंने नहीं चुराई है। लेकिन मैंने भगवान जी से वादा किया था कि सैलरी मिलते ही मैं वो दो बॉटल वापस कर दूंगी। लेकिन चोरी तो चोरी है ना तेजू, मैंने ये चोरी है ना मजबूरी में की थी। मेरी बेटी मर रही थी, उसे ये दवाइयों की जरूरत थी। अगर मैं ये दो बॉटल नहीं चुराती तो मेरी बेटी। लेकिन मैट्रन, सच में तेजू, मैं ये वापस कर देती थी, भगवान की कसम, बाबा की कसम। लेकिन मैट्रन, आपने ये सब बातें डायरेक्टर साहब को बताई? उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया तेजू, उल्टा पहले के सारे चोरियों का इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। रुकिए, मैं डायरेक्टर साहब से बात करूंगी। नहीं नहीं तेजू, नहीं। अगर तू अपनी मैट्रन को हेल्प करना ही चाहती है तो अभी चुप रह, मगर अपनी आंखें खुली रख और देख, प्लीज मेरे खातिर ये पता कर कि असली चोर कौन है। अच्छा हुआ राहुल तू आज आ गया यार, हमारे जिम में नई मशीन्स लगवाने के लिए कुछ चंदा चाहिए था, थोड़े पैसे मिलेंगे। क्यों मजाक कर रहा है यार, मैं तो खुद नौकरी की तलाश में हूं। क्या बात है राहुल, आज बहुत परेशान लग रहा है। हाँ थोड़ा सा। अच्छा एक बात बता, तेरे यहाँ मुझे स्विमिंग ट्रेनर या मार्शल आर्ट्स ट्रेनर की नौकरी मिल जाएगी? ओए की गल, आज सूर्य ढलने से पहले बॉटल चढ़ा दी क्या? मैं सच कह रहा हूँ मंजी, तेरे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा और आखिर में यही डिसाइड किया कि मेरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेजस्वनी का साथ है। मैंने डिसाइड कर लिया मंजी, मैं तारा से शादी नहीं कर रहा। तेजस्वनी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो ऐशो आराम, वो लग्जरी, वो चमचमाता ऑफिस, वो आसमान छूती इमारतें, सब कुछ। मैं अपनी बनावटी जिंदगी को भुलाकर अपनी असली जिंदगी को पाना चाहता हूँ, और मेरी जिंदगी है तेजस्वनी। तू बता, क्या मुझे मेरी जिंदगी मिल सकती है? वाओ, दिस आर ब्यूटीफुल। कबीर, तुम तो बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स ले लेते हो। थैंक्स मॉम, लेकिन मैं वहां बैठे बैठे बोर हो गया, मैं करता ही क्या, बस फोटोग्राफी करता रहता। लेकिन मॉम, आप माउंटेन्स के बारे में एक बात जानती हैं? वो पिक्चर्स में जितने खूबसूरत लगते हैं ना, असलियत में उतने ही खतरनाक होते हैं। आ लो, आ गई मेरी डार्लिंग सिस्टर। अब ये माउंटेन्स के फोटोग्राफ्स बंद, अब मैं सिर्फ अपनी बहन की शादी के फोटोग्राफ्स खींचूंगा। द ग्रैंड वेडिंग ऑफ तारा धनराज। वैसे तारा, तुम इतनी देर कहां थी? वो वेडिंग प्लानर ने कितनी बार फोन किया? He wanted to know के शैंडलियर्स किस कलर के होंगे। तारा की शादी कैंसिल हो गई। तारा की शादी नहीं होगी।